शहर की प्रमुख श्री नाहर सिंह बाबा सामाजिक सेवा संस्था के द्वारा पूरे साल धर्म एवं सेवा से जुड़े कार्य किए जाते हैं। इसी कड़ी में हर साल निशुल्क सामूहिक विवाह समारोह का भी आयोजन होता है। इस बार संस्था ने 11 नवयुगल का सामूहिक विवाह संपन्न कराया। कार्यक्रम में इंदौर यातायात विभाग के उप पुलिस कमिश्नर अरविंद तिवारी का भी नागरिक अभिनंदन किया गया। श्री नाहर सिंह बाबा सामाजिक सेवा संस्था के द्वारा हर साल गरीब कन्याओं का निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाता है। इस बार भी इंदौर सहित आसपास के जिलों के 11 नवयुगल कार्यक्रम में शामिल हुए। सामूहिक विवाह समारोह का पूरा आयोजन संस्था अध्यक्ष पूजनीय कैलाश राठौर गुरुजी के मार्गदर्शन में किया जाता है। इस बार 11 नवयुगल ने उनका आशीर्वाद लेकर अपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। कार्यक्रम का आयोजन इंदौर शहर के दस्तूर गार्डन में संपन्न हुआ। 21 जून की सुबह भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी वर घोड़े पर सवार होकर शामिल हुए। वहीं दुल्हनों को बग्गियों में बैठाया गया था। राठौर समाज सहित विभिन्न समाजों के हजारों बंधु इस भव्य आयोजन के साक्षी बने। कार्यक्रम को लेकर संस्था अध्यक्ष गुरुजी कैलाश राठौर ने बताया कि सभी वर वधुओं को गहने, कपड़े, पलंग, सोफा सेट, रजाई गादी, 51 बर्तनों का सेट और अनेक उपहार प्रदान किए गए। कार्यक्रम में शहर के अनेक जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। नाहर सिंह बाबा सामाजिक सेवा संस्था ने यह पंचम निःशुल्क विवाह संपन्न आज कराया है। इसमें 10 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे हैं आज, और बहुत भव्यता से इस प्रोग्राम को अंजाम दिया। इस विषय में तो मैं ये कहूँगा कि ये जो प्रेरणा है हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। पूरा परिवार, मेरे दादाजी भी समाज सेवा करते थे, मेरे पिताजी भी करते थे, और उसी कार्य को मैं कर रहा हूँ और उसी कार्य को मेरे बच्चे भी आगे बढ़ाएंगे, ये मुझे विश्वास है। आज ये जितने भी जोड़े थे, ये कहाँ-कहाँ से आए हैं और उनको किस तरीके के उपहार दिए गए समाज द्वारा? ये जोड़े आज पूरे मध्य प्रदेश से आए हैं। बैतूल का था, रतलाम का था, सीहोर के थे, अपने खंडवा के थे और अपने लोकल भी थे। इसे पूरे मतलब प्रदेश से जोड़े आज आए थे और इन जोड़ों को संस्था ने अपनी ओर से पलंग, सोफा सेट, गादी बिस्तर, 51 बर्तनों का सेट और सोने लड़की को सोने का मंगलसूत्र, चांदी की पायल और बिछुड़ी, ये संस्था ने अपनी ओर से दी है। आज एक विशेष संकल्प दिलाया गया, उनसे 8 फेरे लगवाए गए। 8वां फेरा हमने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लगवाया गया है कि अब समाज, इस धरती के ऊपर हरियाली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सबको पौधारोपण भी हमने दिया गया है, पौधे भी हमने उनको बांटे हैं कि आपने घर पे लगाएं आप। संस्था से जुड़े विशाल राठौर, श्रीमती फूलवंती राठौर, राजकुमार राठौर ने बताया कि संस्था के द्वारा गौ सेवा, विद्यार्थियों को शिक्षा में योगदान, गरीबों को आर्थिक सहायता और रोजगार में मदद सहित अनेक आयोजन पूरे वर्ष किए जाते हैं। सेवा संस्था के द्वारा यह 5वां आदर्श सामूहिक विवाह निःशुल्क कराया जा रहा है, जो हर वर्ष इतने भव्य तरीके से कराया जाता है, जिसमें सारे
सबसे बड़ी चीज़ तो एक है समाज की ऐसी बनी है बाध्यता जैसे राठौर समाज की जोड़ रही है, यहाँ पर किसी भी समाज की जोड़ा आता है उनकी शादियाँ की जाती है और उसके अंदर समाज की तरफ से संस्था की ओर से पूरा उनका देश का सम्मान किया जाता है और समाज से एक रुपये जितने किसी रुपये लेते नहीं है और निश्चित रूप से सौभाग्यशाली है कभी संस्था से जुड़े हुए हैं और संस्था के माध्यम से इस कार्यक्रम को हर साल करते और आगे जैसा कि आज अभी मुख्य राजगढ़ बताया ये सब लिया है प्रण जब तक सांस चलेगी जब तक सेवा को भक्त रहेंगे साथ में उनके सुपुत्र विशाल जी राठौर और उनका पूरी सुधार सेवा संस्थान है पूरा सहयोग इनका रहता है उन सबका बहुत बहुत। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत पत्रकार राजेश पिपलोदिया, लोकेंद्र सिंह राठौर, दिलीप जेठवा, सुमित पांचाल, संदीप राठौर, तरुण राठौर, कपिल राठौर, पंकज राठौर, राजेश राठौर, दीपक राठौर, प्रिंसिपल टोंगिया, शंकर भाई पटेल, मनीषा राठौर, ममता राठौर, नेहा राठौर सहित अन्य ने किया।